देश में तृतीय लहर पाने अधिक आक्रांत होगा आशंका रही एथिपाई पिलांको किपरी आगुआ टीका दिया जाय परबो सेथिपाई उद्यम आरंभ होई छि। दिल्ली एम्स रे पिलांको थारे कोवैक्सिन परीक्षा पई आजिठो आरंभ होबो स्क्रीनिंग प्रक्रिया। 2-8 वर्ष रे पिलांको पई टीकाकरण उपयुक्त किनु हे ता जांच करा जेबो। सेबरी पटना एम्स रे आ 7 जण पिलांको कोवैक्सिन टीका दिया जाय छि। जून 3 तारिख रे पटना एम्स रे 2-18 वर्ष पिलांको थारे टीका परीक्षण आरंभ होइतिला। प्रथम दिन 3 जण शिशु को कोरोना टीका दिया जायतिला। अधिकरु अधिक लोकंकु टीकाकरण करा न गले तृतीय लहर अधिक विनाशकारी होइ पारे बोली विशेषज्ञ माने चेतावनी दैछंती। या पिलामानुकु अधिक संक्रमित करि पारे। किछि दिन पूर्वरु एम्स पटना रे भारत बायोटेक टीका अनुमोदन पाइबा परे शिशु रोग परीक्षा आरंभ होइछि। मे 11 ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया पिलामानक उपरे टीकाकरणर मानव परीक्षा को अनुमोदन करथिला। इस संपर्क में आलोचना करने आम सहित रही डॉक्टर श्रीकांत कुमार धर स्वास्थ्य विशेषज्ञ। डॉक्टर धर आपको आलोचना को स्वागत कर डॉक्टर धर। फर्स्ट फेज जदि आम देखा सेकेंड फेज वर्तमान आरंभ हो प्रथम जदि आम देखा 44 वर्ष ऊर्ध तापर 18-44 वर्ष एवं फोकस समस्त कि भाव में 2-18 वर्ष कारण जो तृतीय लहर आसवर जो संभावना रही है से सबुठ अधिक प्रभावित हो पारती पाने तेणु ये ह्यूमन ट्रायल आरंभ हो डॉक्टर धर आप के दूर आशावादी कि यह निश्चित भाव में तृतीय लहर को रोकवर आमको साय कर। हाँ निश्चय आपण जेमती कहिले तृतीय लहरी आम जो आशा करूँ छोट छुआ मानक बेसी संक्रमण होवार संभावना अच्छी। आप देखु B1.617 जो इंडियन स्ट्रेन आप कहते सिंगापुर छोट छुआ मानक बहुत अधिका स्प्रेड कर तेणु अलग देश गुड़िकर छोट छुआ मानक वैक्सीनेशन प्रोसेस इनक्लूड करदे। आपड़ कानाडा कहतु जो 12-16 वर्ष को इनक्लूड कले USA कहतु से फाइजर टीका को छोट छुआ मानक दिगला विशेषज्ञ मैंने जहाँ आशंका करतीय संक्रमण संभवत 18 वर्ष रु तौक संक्रमण हार बहुत अधिक रोक कारण ये आम जो फोकस रोच 18 वर्ष रूपरको आम समस्त वैक्सीनेशन करुचु। प्रथम पर्याय आम 60 वर्ष रूपरको कले 45 वर्ष रूर्ध जो मैंने कोमोबिलिटी अच्छी 18 वर्ष रु 45 कले तेणु जो मैंने बर्तमान नन इम्युनाइज रोच जो गोष्ठी सबुठ संवेदनशील रोचे 18 वर्ष रु तौक आशा कराई जो SBI जो ग्रुप जो अमेरिकार ग्रुप जो आकलन कर तृतीय लहर में समान परिमाण इन्फेक्शन हो पारे किंतु छोट छुआ मैंने बेसी संक्रमण हो पारती। आमर जो वैक्सीनेशन ट्रायल गुड़िक बर्तमान छोट छुआ मानक बेसी गुरुत्व दिखाई अन्य देश भाई आम देश में आम जो स्वच्छ ज्ञानकौशल निर्मित कोवैक्सिन जोटा कि बर्तमान बहुत परिमाण में परीक्षण होती बहुत लोकों पर दिखाई देखाई यार कौन पार्श्व प्रतिकार नहीं। धर जिते छुआ कथा से इसे भेरी सेंसिटिव मैटर जदि आप देखिए खास करी जो देखा 12 वर्ष रु ऊर्ध मैंने 12 वर्ष 18 वर्ष पिला टिके बड़ ही सारे थांते किंतु 2-12 वर्ष जदि देखिबा से माने बहुत सेंसिटिव मैटर रे रुंती तेणु किभली भाव में पिला ठीक से डोज दिया जिवो कारण पिला अलग वैक्सीन रही थाए ता सहित छोट छोट पिला माने एमितरे भी थंडा जरे सबले से माने पड़ी थांते तेणु वैक्सीन आसीबा खूब तो जरूरी किंतु वैक्सीन पिला मानंको ऊपर कोनसी साइड इफेक्ट पकेइबन त एटा हो सबुठ बड़ प्रश्न। निश्चय पकेबार संभावना अच्छी किंतु प्रथम पर्याय जमी आप जून 3 तारीख जो परीक्षण कराला 21 पिला को निरीक्षण कराला ता भितर 12 जन किसीटा एंटीबॉडी सफिशिएंट एंटीबॉडी थिला तेणु 9 जन को प्रथम पर्याय दिखाई जो थे देखा कौन सेमती पार्श्व प्रतिक्रिया ना बर्तमान दिल्ली एम्स रे से परीक्षण अन्य स्थान गुड़िक नागपुर में स्थान गुड़िक परीक्षण हो जो पर्यायक्रमे परीक्षण होने निर्णय करते प्रथम 12-16 वर्ष कि 18 वर्ष पिला दिजाव अनुवेक्षण कला संभवतः तापर पुणी 6-12 को दिजाव तापर छोट छुआ 2-6 को दिजाव एमती पर्यायक्रमे जो आप जानते कोवैक्सीन दुईट टीका 28 दिन अंतर दिजाए गोटे टीका कौन आज देला 28 दिन देला देखा भल कारण यहीपाई डॉक्टर धर ये प्रश्न उठू बड़ लोक हुए तो कोरोना रे आक्रांत हेले से माने कोविड हॉस्पिटल जाए रही परिवार लोक देखा न कले भी गोटे गोटे थाए मन भितर कि हाँ से माने सुस्थ थाई पारंती जेहेतु फोन रे जोगाजोग हो पारे किंतु जदि गोटे छोट पिला अफेक्ट हूँ तो जदि से जगह को अलाउ क्या न कराए फैमिली मेम्बर को निश्चित भाव में NICU कथा कहतु कि ICU कथा कहतु बापा माँ पैनिक हो जाती तेणु से वैक्सीन रहा अच्छी कि जब एमती परिस्थिति से ना आम पेडेट्रिक डॉक्टर भी बहुत रही ना कौन प्रकार एपर्तंत वैक्सीन भी बाहरनी तेणु बेसी सेनसीटिव वर्क जब आम देखा 2-12 वर्ष छुआ मैंने तो डॉक्टर धर आप कौन कहते कि कोवैक्सीन खाली कोवैक्सीन ना अलग टीका भी खूब आसवा दरकार जहाँ फिर कि एक प्रकार आम सामूहिक टीकाकरण कर छोट पिला वर्ग पिला। हाँ निश्चय मुझे आगुरी कही केवल कोवैक्सीन नुहे कोवैक्सीन तो केवल आम स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित
ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆଗରୁ ଆମ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି, ଟ୍ରାଏଲ କରାହେଇଛି 300 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଛି ଫାଇଜର ଟୀକାକୁ ମଧ୍ୟ ମଡେରା ଟୀକାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଛି। କାନାଡା ଫାଇଜର ଟୀକାମାନଙ୍କୁ 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ଦିଆସାରିଲାଣି, ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଲାଣି। ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଯେମିତି ଜାଇକୋଭ କୁହନ୍ତୁ, ନାଜଲ ସ୍ପ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେବାର, ଯେଉଁଟା ଡିଏନ୍ଏ ଭାଇରସ୍ ରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଗତ ଦିନ ଗୁଡାକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହବ, ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକା ଅପରଚୁନିଟି ରହିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ରହିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଇଜର ଟୀକାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣା ଟୀକାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଗତ ଦିନ ଗୁଡାକରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ, ଟ୍ରାଏଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହବା। ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପା ମା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବହୁତ କମ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯୋଉ 21 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ତାଦୃ 12 ଜଣ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଆଣ୍ଟିବଡି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ଭୂତାଣୁ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଡକ୍ଟର ଧର କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟୀକା ଆସୁ, ଏବଂ ଖାସ କରି 2 ବର୍ଷର 18 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଯାହା ମତ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଧର।